सुनील जी, हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें बताते हैं कि वो इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करते हैं। दिन का कारोबार शुरू होने के टाइम पे किसी ट्रेड में एंटर करते हैं और शाम तक वो निकल भी जाते हैं। बिल्कुल और आमतौर पे मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, लेकिन कई बार ऐसा बताया जाता है कि वो काफी अच्छा मुनाफा कमाते हैं, दिन के 10-20-50 हज़ार कुछ ना कुछ रोज ले जाते हैं। सुन के बड़ा ही लुक्रेटिव लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है, ना कोई रात को ट्रेड रखने का रिस्क, ना कोई चिंता ओवरनाइट की, सुबह लो शाम को बेच दो, सुबह शॉर्ट किया शाम को कवर कर लिया और मुनाफा ही मुनाफा। क्या वास्तव में काम कितना आसान है, क्या हम कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इंट्राडे की ट्रेडिंग अपने आप में एक बहुत लुभाने वाली चीज़ है। वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्योंकि बहुत आसान है ये सोचना कि दिन दिन के अंदर पैसे कमाऊंगा और फिर रात को आराम से घर जाके सोऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कल सुबह फिर आऊंगा, फिर 100 डालूंगा, फिर प्रॉफिट कमाऊंगा, फिर ले जाऊंगा। लेकिन आप जो लोग करते हैं, एक बार उनसे बात कीजिए या उनके खाते मंगाइए एक बार, आपको तब पता चलेगा। वो बोलेंगे तो सही, हमने ये कमाया, बोले उसको बोलो खाता दिखाओ अपना, क्या कमाया है उसमें पता चलेगा। इंट्राडे की ट्रेडिंग सबसे मुश्किल काम है एक्चुअली इस मार्केट में। इंट्राडे की ट्रेडिंग सबसे आखिर में आती है। बहुत लोगों से बात होती है मेरी भी, तो वो बोलते हैं सर अभी अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया और शुरू शुरू में हम जो है इंट्राडे से स्टार्ट किया हमने। तो उस समय मेरे को उनका चेहरा देख के इतनी हंसी आती है कि जो काम सबसे आखिर में आता है वो लोग ये सबसे पहले कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे लास्ट में करने वाला काम है। जब आपको इस मार्केट में बहुत साल हो जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आपका तजुर्बा बढ़ जाता है, आप मार्केट का सिस्टम समझ लेते हो, इंट्राडे एक्चुअली उसके बाद करना है। इंट्राडे स्टार्टिंग में कभी नहीं करना है। आप ये बिल्कुल वही बात कर रहे हो कि जैसे एक गाड़ी चलाने वाला जो ट्रेनी है, जो भी सीख रहा है, वो ये सोचे कि मैं स्पोर्ट्स कार चलाऊंगा। स्पोर्ट्स कार 400 किलोमीटर की स्पीड पे रेसिंग ट्रैक पे चलने वाली गाड़ी होती है, उसको कोई गाड़ी सीखने वाला नहीं चला सकता। तो इंट्राडे की ट्रेडिंग बहुत ही छोटे समय के अंदर बहुत ही तेजी से फैसले लेने वाला काम है। 5 घंटे के अंदर सौदा लेना भी है, सौदा काटना भी है, बीच में उसको हैंडल भी करना है मार्केट की वॉलिटिलिटी को। इतनी तेजी से जब फैसले लेने होते हैं उस समय कोई नया आदमी, कोई मार्केट में जो आया है अभी अभी, वो आदमी उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। यहां पे जो पुराने हैं इस मार्केट में, जिनको 2-4-5-10 साल हो भी गए हैं, उनके लिए मुश्किल काम है इंट्राडे के अंदर रेगुलर प्रॉफिट कमाना। अभी 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, ठीक है, लेकिन रेगुलर प्रॉफिट कमाना इंट्राडे में बहुत मुश्किल काम है। जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ प्योर इंट्राडे करके ही हम अपना घर चला लेंगे, हमारा धंधा सेट हो जाएगा, मेरे हिसाब से वो गलत जगह पे हैं और वो यहां से बाहर चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे लगातार छोटे समय के अंदर मुनाफा कमा पाना असंभव है। असंभव शब्द समझते हैं आप? असंभव जी है। कोई आदमी आपको मिले ऐसा जो ये आपको क्लेम करता हो कि ऐसा हो सकता है, उसे मेरे पास लेके आइए, मैं बात करता हूं उससे कि वो क्या है, क्या किया है उसने आज तक। मैंने नहीं देखा कोई आदमी आज तक ऐसा। अगर कोई आदमी ऐसा इस धरती पे जिंदा है आज तक, मौत नहीं हुई है उसकी, तो मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा कि कौन आदमी ऐसा है जो लगातार इंट्राडे में प्रॉफिट कमा पा रहा है। लगातार, ये लगातार वर्ड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2-4-10 दिन कोई भी कमा सकता है। लगातार प्रॉफिट आने का मतलब है उसके पास कोई ऐसी खास स्ट्रेटजी है जो कि हमेशा काम करती है। तो मैं जरूर सीखना चाहूंगा अगर कोई हो तो इसलिए इंट्राडे आपको तब करना चाहिए, थोड़ा बहुत वो भी। इंट्राडे आपके पूरे खेल का एक हिस्सा हो सकता है। जैसे आप मार्केट में ट्रेड करने जाते हैं तो आप एक टाइम फ्रेम के लिए काम करते हैं, कोई सौदा 1 हफ्ते के लिए लेता है, कोई 6 महीने के लिए लेता है, कोई 1 साल के लिए लेता है, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है वो। जैसे मान लेते हैं आपने स्टॉक लिए हुए हैं 5 साल से लेकर के 6 महीने तक के, या 4 महीने तक के, या 1 महीने तक का कोई सौदा भी है आपके पास, तो इंट्राडे उसका एक पार्ट है कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में 10% का हिस्सा ऐसा है जिसमें से आप इंट्राडे करते रहते हैं। लेकिन अगर आप 100% इंट्राडे पर डिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपनी सारी पूंजी से इंट्राडे करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है आप आत्महत्या के कगार पे हैं, आप सुसाइड करने जा रहे हैं, और आज नहीं तो कल आपके घर वालों को आपके लिए रोना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसे नहीं होंगे उसके बाद आत्महत्या ही करता है आदमी, और करता तो कुछ है नहीं। इसलिए दूर रहिए, प्योर इंट्राडे से दूर रहिए। उसको एक हिस्सा बना के रखेंगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन प्योर इंट्राडे से दूर रहिए। और
लगातार ज्यादा काम करने की कोशिश मत कीजिए, और जो ये सलाह देते हैं कि हम आपको ये कमाई करा देंगे वो कमाई करा देंगे, उनसे दूर रहिए।